नमस्कार आपनलोके साय आसे द स्पॉट ऑन मय सुस्मिता सदनत केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हैछे गृहमंत्री अमित शाहे केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर मंतव्य करिछे केबाखनो विधेयक उत्थापन करा हैछे सदनत एतियारे पोरा धर्षणकारी नरपिखास केटा हारि ना जाय एतिया आइनर हातत हारि ना जाय नरपिखास धर्षणकारी कियनो केबाखनो गुरुत्वपूर्ण विधेयक उत्थापन करा हैछे सदनत गृहमंत्री अमित शाहे मंतव्य करिछे हे खंडर्फत 18 बोसोरर तलर जदि कोनो नाबालिका धर्षण करे तेनेहले हे नरपिखासक लगे लगे मृत्युदंड दिया हबो एतियारे पोरा कोनो व्यक्तिये धर्षण करार आगत 100 बार भाबक एगराकी नारी शेष करार आगत 100 बार भाबक आपुनिओ एतिया हारि ना जाय आपुनारो हबो मृत्युदंड हे सिद्धान्त लुवा हैछे सदनत आरु अति सोनकाले एइ बिषयकेटाक लै आइन प्रणयन करा हबो आरु लगते आइन प्रक्रिया कठोर हबो बुलि मन्तव्य करिछे गृहमंत्री अमित शाहे और एटार 18 बसर तलर किशोरीक जदि धर्षण करे तेनेहले हे धर्षणकारी नरपिखासक लगे लगे मृत्युदंड दिया हबो दलबद्धभावे जदि हत्या करा हैछे कोनो व्यक्तिक तेनेहले हे दलबद्ध समग्र दलटुके कारादंड कारागार तेओलुके जाबज्जीवन कारादंड तेओलुके खातिब लगार उपरिओ तेओलुकर मृत्युदंड हबो अति सोनकाले केटामान गुरुत्वपूर्ण विषयक लै सदन उत्ताल करि तुलिछे गृहमंत्री अमित शाहे आरु एकेटा विषयर ऊपर अति सोनकाले आइन प्रणयन करा हबो लगते आइन प्रक्रिया जी प्रक्रिया धर्षणकारीर ऊपर जी प्रक्रिया हे प्रक्रिया एटा कठोर हबो बुलि मन्तव्य करिछे गृहमंत्री अमित शाहे खुनिलो गृहमंत्री अमित शाहर मन्तव्य गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान मान्यवर मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है हमने उसको केयरफुली करा है मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन करकर हम प्रावधान मान्यवर लाए स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी मानो कोई अपाहिज हो गया ब्रेन डेड हो गया मृत्यु नहीं हुई पूरा पैर कट गया हाथ कट गया तो भी 7 साल की सजा थी और किसी को थोड़ा लगा रिपेयर होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया तो भी 7 साल हमने दोनों को अलग कर दिया हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलना पड़ेगा बच्चों द्वारा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को बढ़ाया गया है 7 से 10 साल किया गया है पहले जुर्माना काफी कम था अनेक प्रोविजन में जुर्माने को बढ़ाने का भी काम किया है मान्यवर अपराधियों के विरुद्ध जो भाग जाते थे इसके लिए भी 10 साल की सजा का लाया है प्रावधान लेकर आए हैं सजा माफी को पॉलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं 7 साल के कारावास को 3 साल तक ही माफ कर सकते हैं।